हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रिटी सा कलेक्शन लेके आई हूँ। आप बोल सकते हैं टोटली वेडिंग वेयर है, आपको वेडिंग में जाना है या आपकी वेडिंग होने वाली है, इनमें से कोई भी आउटफिट आप बाय कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने लिया है और ये एक सिंगल ब्रांड से विशूज से मैंने लिया है और डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट से बाय कर सकते हो। एक्स्ट्रा आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप एक कूपन कोड यूज़ करोगे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहाँ आपको शो हो जाएगा। तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अभी विशुद्ध ब्रांड के जो प्राइजेज और के काफ़ी कम हो रखी है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांडों में सेल चल रही है, तो विशुद्ध में भी बहुत अच्छी सेल चल रही है। तो यहाँ पे आपको 80-90% ऑफ मिलने वाला है। प्राइजेस काफ़ी कम हो रखे हैं, जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है तो इसमें आजकल वेलवेट कुर्ती का काफ़ी ट्रेंडिंग हो रखी है, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पे वेलवेट कुर्ती एंड कुर्ता सेट और उससे सिमिलर आउटफिट भी दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्रिटी सा कलेक्शन है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस करना है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी हॉल की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, अगर आप डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट से बाय करते हो तो वहाँ पे COD का ऑप्शन होता है, तो इजीली जिनको प्रीपेड नहीं पसंद है, ऑनलाइन नहीं पसंद है, तो COD से इजीली बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे विशुद्ध में आपको COD मिली है, तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इस ब्रांड को। तो मैं आपको जो फर्स्ट कुर्ती दिखाने वाली हूँ वेलवेट की है और काफ़ी कमेंट आ रहे थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको ही वेयर किया था। तो ये है विशुद्ध की ब्लैक कलर की कुर्ती, कमाल की लग रही थी। मतलब आप इसके साथ वेलवेट का दुपट्टा कैरी कर लीजिए, रेड कलर का दुपट्टा जैसे मैंने शो किया था नेट वाला, तो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। इस तरीके से आपको रिसीव होगी। और यहाँ पर मैंने एल साइज को पिक किया, मेरा साइज यहाँ पे एल है। जनरली आप देखोगे मैं एल ही वेयर करती हूँ, मतलब एम भी मुझे आ जाता है लेकिन एल कम्फर्टेबल है, तो ये कम्फर्टेबल कुर्ती है एल साइज में। इस तरीके से आपको मिलेगी पूरी वेलवेट की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हो रही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्का हो, हैवी मटेरियल में आपको मिल रही है इस तरीके से। और विंटर्स में काफी अच्छी लग रही थी, आप एक इनर ऐड कर लीजिए, जस्ट इस कुर्ती को वेयर कर लीजिए तो काफी वार्म रहेगी और मतलब आपको अच्छा भी फील होगा। तो हाईली रिकमेंड करती हूँ, इसको ट्राई कर सकते हो। नेक एरिया में आप देख सकते हो कितना अच्छा डिजाइन वर्क हो रखा है, की होल वाला, मतलब इस तरीके से आपको नेक स्टाइल मिलेगा। राउंड के साथ आपको यहाँ पे वी कट मिल रहा है और यहाँ पे पूरा आपको ना सीक्वेंस की डिटेलिंग मिली है, गोल्डन और उसके साथ आपको सिल्वर सीक्वेंस लगे हुए मिले। इस तरीके से आपको नेक एरिया में डिजाइन मिलेगा। नेकलाइन बहुत ही प्रिटी है इसकी। इस तरीके से साइजेस अवेलेबल है इसमें, स्मॉल से लेके डबल एक्सेल तक, जो भी एग्जैक्ट आपका साइज है ना आप उसमें बाय कर लीजिए। और मतलब इस तरह की कुर्ती है, आपको स्लिम शो करती है तो मतलब वेडिंग के लिए आपको चाहिए या आपको किसी पार्टी ओकेजन के लिए चाहिए तो बेस्ट है इस तरह की कुर्ती, इसको चेकआउट कर सकते हो। ब्लैक कलर एक ऐसा है ना, इसके साथ बॉटम आप वुलन कोई भी डाल सकते हो, ब्लैक लेगिंग डाल सकते हो या आपके पास पैंट है, तो इतना मायने नहीं रखता कि आपने उसको सिमिलरली डाला है कि नहीं है, वो भी वेलवेट का होना चाहिए। तो जो भी आपके पास ब्लैक शेड है ना वो आप यूज़ कर, लाइन पे वर्क हो रखा है और पूरी कुर्ती में आपको इस तरह के मोटिव्स लगे हुए मिलेंगे, जो कि पूरा आपको यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी और जरी वर्क का हो रखा है, थ्रेड वर्क इस तरीके से आपको मिलेगा। कुर्ती की लेंथ की बात की जाए तो काफ लेंथ तक आपको कुर्ती मिली है, 46 से अबव भी लेंथ आपको मिलने वाली है। इस तरीके से लॉन्ग स्लीव्स आपको मिल रहे हैं, इस तरीके से स्लीव्स पे भी आपको इस तरह की डिटेलिंग मिली है, आपको जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस के सीक्वेंस काफी अच्छे से लगाए गए हैं, बहुत ही मतलब नीटली डिजाइन हो रखे हैं यहाँ पे जो सीक्वेंस है, कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि यहाँ से निकल रहा हो, अच्छे से मैंने इसको रब भी कर लिया, तो काफी अच्छे से स्टिच कर रखे हैं। तो इस तरीके से हो गई कुर्ती। बैक से बात की जाए तो पूरी आपको सॉलिड ब्लैक कलर में मिलेगी इस तरीके से। अब मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस लगे हैं तो आपको ये चुभेंगे तो नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह का आपको लाइनिंग दिया हुआ है अपर पार्ट में कि नेक एरिया पे जो सीक्वेंस है ना वो चुभे ना, तो इस तरीके से काफी अच्छी थिक लाइनिंग आपको लगी हुई मिली है, जिससे कि कुर्ती और प्रिटी हो गई है और वॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये रही मेरी फर्स्ट कुर्ती। अब इसकी प्राइस की बात करें, आपको मिलने वाली है 70% ऑफ हो रखा है, तो ये 699 में आपको मिलेगी। अच्छी कुर्ती है 699 के हिसाब से, और आप इसमें कूपन कोड भी ऐड कर लेते हो तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो हाईली रिकमेंड करूंगी इस प्रिटी सी कुर्ती को, आप चेकआउट कर सकते हो। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए बेस्ट है। तो ये तो रही मेरी फर्स्ट कुर्ती। मूव ऑन टू मेरी नेक्स्ट कुर्ता सेट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक सिल्क ब्लैंक में ही है ये कुर्ता। इस तरीके से आपको रिसीव होगा और ये भी कलर शेड बहुत अच्छा है, पार्टीज में, वेडिंग्स में अच्छा लगता है, डे में आप पहन सकते हो, नाइट में पहन सकते हो, खिल के आने वाला कलर है। 3 पीस सेट आपको मिलने वाला है, इस तरीके से है और ये भी विंटर के लिए बेस्ट है। इस तरीके से आपको मिलेगा, राउंड नेक की कुर्ती है, विशुद्ध ब्रांड से है और यहाँ पे मैंने एल साइज को पिक किया। इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा जो डिफरेंट सा फैब्रिक है ना बनारसी वाला वो लगा हुआ मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। और सिल्क ब्लेंड फैब्रिक आपको मिल रहा है, हल्की सी शीन इसमें आ रही है। फ्रंट की लेंथ बात की जाए तो 46 आपको फ्रंट लेंथ मिल रही है, यहाँ से आप देख सकते हो हल्की सी शाइनिंग आ रही है, अच्छा लग रहा था। ओवरऑल पहनने पे हर स्किन टोन में जाने वाला है, सिंपल एंड सोबर आउटफिट आपको मिल रहा है।
स्लीव्स की बात की जाए तो 3/4 आपको स्लीव्स मिल रहे हैं। स्लीव्स इस तरह से सॉलिड पिंक शेड में आपको मिलेंगे। कलर शेड बहुत अच्छा है इसका और यहाँ पे मिनिमल सा जो वर्क हो रहा है ना उससे कुर्ती काफी प्रिटी लग रही थी। ये तो हो गई इसकी फ्रंट की डिजाइनिंग। बैक से बात की जाए ना यहाँ पे आपको इस तरह से की होल वाला मिलेगा, इसको इजिली ओपन करके आप वेयर कर सकते हो और बैक से इस तरह का आपको डिजाइन आ जाएगा। तो पूरी सॉलिड आपको पिंक शेड यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। ये तो हो गया फ्रंट इसका और इस तरीके से आपको बैक मिलेगा। कुर्ती काफी अच्छी है, सिंपल है। ये तो हो गई इसकी कुर्ती। अब इसका बॉटम शो करते हैं। ओवरऑल पहनने के बाद कंप्लीट सेट बहुत अच्छा लग रहा था। बॉटम की बात की जाए तो इस तरीके से बोथ साइड इलास्टिकेटेड आपको मिलेगा, फैब्रिक मिलेगा सिल्क ब्लेंड। इस तरीके से आपको यहाँ पे पैंट मिलेगा हील के साथ, जूती के साथ, प्रिटी लगने वाला है। और ये विशुद्ध ब्रांड से है, एल साइज मैंने पिक किया। तो ये तो हो गया इसका बॉटम। बाकी आपको ट्राउन में शो जाएगा, अच्छा लग रहा था। प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है सेट। अब मैं आपको दुपट्टा दिखाती हूँ जो बहुत ही प्रिटी है। इस तरीके से चंदेरी आपको दुपट्टा मिलने वाला है। लुक एट द डिजाइन, डिजाइन आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिलेगा। पूरा फैब्रिक में ही हो रखा है, जस्ट साइड में डाल लीजिए और लीजिए। पार्टीज के लिए बिल्कुल बेस्ट है, जिन्हें सिंपल एंड सोवर पहनना पसंद है। अच्छे से हैवी इयरिंग्स डाल लीजिए तो गुड टू गो है। ये वाला कुर्ता इस तरीके से आपको मिलेगा। साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक और इसका प्राइस है 879। आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो 879 के हिसाब से काफी अच्छा आउटफिट है, कंप्लीट सेट आपको मिल रहा है और इस तरीके से हो गया। अब मैं इसकी विड्थ दिखा देती हूँ दुपट्टे की। ये रही विड्थ और यहाँ पे ना इस तरीके से आपको टैसल लगे हुए मिल रहे हैं बोथ साइड। तो पूरा दुपट्टा इस तरीके से आपको मिलेगा। लेंथ आप देख सकते हो अच्छी है, पूरा 2.5 मीटर का दुपट्टा मिल रहा है और कलर और प्रिंट बहुत अच्छा हो रखा है पूरे फैब्रिक में। इस तरीके आपने कोई सॉलिड कुर्ता पहना ना उसमें भी आपका ये यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलने वाला है दुपट्टा, काफी अच्छा है। मल्टीपल यूज आप इसका कर सकते हो क्योंकि कुर्ता और बॉटम प्लेन आपको मिले ना, तो दुपट्टा काफी अच्छा आपको मिला और पूरा प्रिंट वर्क है और दूर से ऐसे लग रहा है कि पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो हाईली रिकमेंड करूंगी, इसको चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं आपके साथ शो करने वाली हूँ बरगंडी शेड, जैसे मैंने वियर किया है और सिमिलर ये पूरा कंप्लीट सेट है। ये तो जस्ट कुर्ता है और ये ब्रांड है सांगलिया का। और जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो 3-पीस सेट में आपको मिलने वाला है। इस तरीके से आपको रिसीव होगा कुर्ता, बॉटम एंड दुपट्टा। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। फर्स्ट कुर्ते से स्टार्ट करते हैं। कुर्ते की बात की जाए तो इस तरीके से और काफ़ी हैवी आपको मिल रहा है। बिल्कुल इसको वेयर कर लीजिए तो बिल्कुल ठंड नहीं लगने वाली। पार्टीज में, वेडिंग्स में बेस्ट है। आपकी मैरिज होने वाली है, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का आपको रिसीव होगा। पर्पल शेड आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, वाओ पीस है ये आप बोल सकते हो। लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी। नेकलाइन में आप देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन वर्क आपको मिलेगा। पूरा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, सीक्वेंस की डिटेलिंग है। अच्छा सा लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था नेक पे कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बूटे मिलेंगे पूरे, ये भी जरी वर्क से हो रखे और साथ में सीक्वेंस की आपको डिटेलिंग मिली है। ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो 46 इसकी लेंथ आपको मिली है। इस तरीके से लॉन्ग स्लीव्स आपको मिल रहे हैं, स्लीव्स पे भी आपको बूटे मिल रहे हैं एंड यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रहा है इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने एल साइज को पिक किया। साइजेस की बात की जाए इसमें स्मॉल से डबल एक्सेल तक साइज है, जो भी आपका एक्जेक्ट साइज आप बाय कर सकते हो इस तरीके से। बैक से बात की जाए तो वही सॉलिड बरगंडी शेड में आपको मिलेगा और थिक मटेरियल है, बिल्कुल गुड क्वालिटी का यहाँ पे यूज किया गया वेलवेट का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से। अगेन इसमें काफी अच्छी आपको लाइनिंग लगी हुई मिली है अपर पार्ट में इस तरीके से। पूरी यहाँ पे आपको अच्छे से कवर हो रखा है, बिल्कुल कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा। मैं पूरा दिखा देती हूँ इस तरीके से। पूरी आपको यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई मिली इस वाले फैब्रिक में, आप देख सकते हो इस तरीके से। ये तो हो गया आपका वेलवेट वाला पार्ट और ये हो गई इसकी लाइनिंग। तो अच्छे से अंदर लाइनिंग प्रोवाइड की गई है आपको ना। इसमें जो फ्रंट पैनल है ना उसमें लाइनिंग मिली है क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखी है। क्योंकि इसमें अंदर वाले पैनल में आपको जो इसका फ्रंट पैनल है उसमें आपको अच्छे से लाइनिंग लगी हुई मिली है। तो ये तो हो गई ओवरऑल कुर्ती जो कि लुक बहुत अच्छी आ रही थी, पहनने में काफ़ी अच्छी। जिनको कंप्लीट सेट चाहिए तो कंप्लीट सेट ले सकते हैं, जिनको कुर्ता चाहिए तो कुर्ता ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ। और प्राइस की बात की जाए तो आपको ये 1639 में मिलने वाला है और आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो और कम हो जाएंगे। बॉटम की बात की जाए तो सेम वही वेलवेट के फैब्रिक में आपको मिलेगी। इस तरीके से आपको मिलेगा पूरा लॉन्ग, आपको यहाँ पे पैंट मिल रही है और हेम की तरफ आपको ये वाला डिज़ाइन वर्क मिलेगा जो स्लीव्स में मिल रहा था। इस तरीके से आपको बॉटम रिसीव होगा और अच्छा लग रहा था पूरा। हील के साथ आप वेयर करते हो या कोई जूती डालते हो तो प्रिटी लगने वाला सेट है। अच्छा सा क्लच आप ले लीजिए हैंड में। दुपट्टे की बात की जाए तो यहाँ पे ऑर्गेन्जा का दुपट्टा आपको मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे गोल्डन लाइनिंग पूरी इसमें जा रही है, इस तरीके से आपको मिलेगा। अच्छा है जस्ट साइड में कैरी करने के लिए, इस वाले में भी जड़ जाएगा। इस तरीके से आप डाल सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। विड्थ की बात की जाए तो एज ए स्ट्रोल ये आप वर्क कर रहा है, यहाँ पे इतनी विड्थ आपको मिली है और लेंथ काफ़ी है इसकी। इस तरीके से आप देख सकते हो ये लेंथ, इस तरीके से अच्छा सा आप डाल सकते हो इसे साइड में। ये आजकल ऐसे डाल लेते हैं ना, इस तरीके से भी आप इसे वेयर कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है सेट, हाईली रिकमेंड करूंगी, ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा प्राइसी है, मतलब
कोई भी अच्छा सेटअप लेते हो तो 1000 से अबव आ जाता है, तो ये तो वेलवेट का मिल रहा है तो इतना तो खर्च करना पड़ेगा। तो हाईली रिकमेंड करूंगी इस प्रिटी से सेट को भी आप बाय कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट। आज मेरे पास ना सारे बर्गंडी शेड हो रखे हैं, तो नेक्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ थोड़ा डिफरेंट सा है। ये आपको पॉलिस्टर फैब्रिक में मिलने वाला है, सिंथेटिक फैब्रिक आप बोल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये भी पहनने पे। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से 3 पीस सेट है यहाँ पे मेरे पास, और मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट भी ट्राई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। इस तरीके से आपको मिलेगा, और ये आप बोल सकते हो जैसे क्रेप फैब्रिक होता है ना उसमें, लेकिन अच्छा लग रहा था ये वाला भी। डे में पहनने के लिए चाहिए तो इसको पिक कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, और आपको ना यहाँ पे इस तरह का डिजाइन वर्क मिलेगा। हल्का सा फ्लेयर आपको मिला, जैसे ए लाइन कुर्ती होती है ना उस तरीके से आपको मिलेगा। इसमें साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक, और प्राइस आई थिंक आपको 850 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा। एल साइज मैंने पिक किया है। इस तरह के आपको क्वार्टर स्लीव्स मिलेंगे, अच्छे लग रहे थे, और ओवरऑल लुक इस तरीके से आ रही थी। फ्रंट लेंथ आपको यहाँ पे 46 मिली है, हल्के से गैदर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, अच्छी थी। मैटरनिटी वाले हैं उनको चाहिए तो इस तरह का आउटफिट डाल सकते हो। जैसे भी बॉम्बे में तो काफ़ी मतलब ठंडा वंडा नहीं होता, नॉर्मल रहता है वेदर, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छी लग रही थी, हल्के फुल्के समर्स के लिए बेस्ट है ये वाली। इस तरीके से आपको मिलेगी। बैक से बात की जाए तो प्लेन आपको फैब्रिक मिली। आजकल बर्गंडी बहुत ट्रेंडिंग में ना, तो मैंने सोचा इसको भी ट्राई करके देखते हैं। पहनने पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ना आपको वेयर करने के लिए ना कि इजीली आप डाल लो, थोड़ा क्रेप फैब्रिक है तो यहाँ पे ना जिपर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, इजीली आप वेयर कर लोगे। तो यहाँ साइड में आपको जिपर भी मिल रही है, इस तरह का आपको नेक डिज़ाइन मिल रहा है, अच्छी लग रही थी वाली भी। कोई तो हो गया इसका टॉप। अब मैं आपको इसका बॉटम दिखाती हूँ। बॉटम इस तरीके से सेम वही क्रेप फैब्रिक में आपको मिलेगा। इस तरीके से बोथ साइड इलास्टिकेटेड मिल रहे हैं, लूज काइंड आपको यहाँ पे पैंट मिल रही है। कलर शेड बहुत अच्छा है, बर्गंडी टोन में जा रहा है, हाईली रिकमेंड करूंगी, ट्राई कर सकते हो जिनके यहाँ ठंड नहीं हो रही है। इस तरीके से कंप्लीट दुपट्टा भी बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। इस तरीके से 2.5 मीटर का पूरा दुपट्टा आपको मिल रहा है, और इसमें ना इस तरह का डिजाइन वर्क हो रखा है, गोल्डन से हल्का हल्का गोल्डन लाइन जा रही है। इस तरीके से पूरा साइड में कैरी कर सकते हो, अच्छा लग रहा था ये वाला पीस भी। कंप्लीट सेट आप वेयर करोगे तो इसको भी चेकआउट कर सकते हो। जॉर्जेट का दुपट्टा आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसमें आपको दिखाने वाली हूँ अगेन एक और कुर्ती, जो कि जैसे मैंने ब्लैक दिखाई थी उसी, अब हम मैरून शेड देख लेते हैं। इस तरीके से आपको मैंने पिक किया है, और यहाँ पे आपको मैरून शेड में मिलने वाली कुर्ती इस तरीके से, बहुत ही प्रिटी है ये वाली कुर्ती भी। इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी आपको 699 में मिल जाएगी। इस तरीके से है, यहाँ पे पूरा सीक्वेंस की डिटेलिंग है, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है, जरी वर्क हो रखा है, की होल वाला नेक आपको मिल रहा है। एल साइज मैंने पिक किया है, लुक आप देख सकते हो, वाओ पीस है। मतलब खाली कुर्ती बाय करनी है तो कुर्ती बाय कर सकते हो, पूरा कंप्लीट सेट बाय करना है तो वो भी। और मैं इनके साथ प्रोडक्ट भी टैग कर दूंगी, तो इससे सिमिलर आपको कुछ और पसंद आ रहा है, जैसे वेलवेट में ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो उनको भी आप पिक कर सकते हो। डिफरेंट डिजाइन है वहाँ पे, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सारे प्रोडक्ट जब आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको टैगिंग भी दिख जाएगी, तो वहाँ टैग प्रोडक्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से मतलब आप उसमें देख सकते हो, डिजाइन अलग है, फैब्रिक यही मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, सिमिलर इस तरह का आपको डिजाइन वर्क, बस डिजाइन चेंज हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे। फैब्रिक की क्वालिटी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी क्वालिटी है, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी है। विंटर्स में आप वेयर कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इनमें। इस तरीके से आपको मिलेगी। फ्रंट लेंथ 46 आपको मिल रही है, लॉन्ग स्लीव्स मिल रहे हैं इसमें मेहरून कुर्ती में, जरी वर्क प्लस यहाँ पे सीक्वेंस की डिटेलिंग आपको मिली है। बैक से कुर्ती की बात की जाए तो सेम वही सॉलिड फैब्रिक आपको मिलेगा वेलवेट का, और साइजेस मैंने आपको बता दिए इसमें स्मॉल से लेके डबल एक्स, और ओवरऑल पहनने पे अच्छी लग रही थी। और मटेरियल की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा हैवी मटेरियल आपको मिल रहा है, जैसे ये थोड़ा लाइट वेट में है जो मैंने वेयर किया है, ये वाला थोड़ा हैवी में है क्योंकि इसके अंदर से आपको लाइनिंग, यहाँ पे आपको लाइनिंग मिल रही है जहाँ पे पूरी सीक्वेंस की डिटेलिंग है। इस तरीके से तो अच्छी है कुर्ती, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये थी मेरी लास्ट वेलवेट की कुर्ती, आई होप आपको ये वेलवेट की कुर्तियाँ पसंद आई हो। वाला सेट मैंने आपको दिखाया था, इसमें 4 शेड्स अवेलेबल हैं, तो कोई भी आप पिक कर सकते हो इसमें से, जो भी कलर शेड आपको पसंद आ रहा है। और जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उससे सिमिलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है बाय करना, इजीली आप बाय कर सकते हो। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।